वेलकम बैक टू अर न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ओलिया वड़ाइच। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। DIY रिसाइकलिंग का शर्ट, एक मेरी ओल्ड शर्ट है जो मैं आपको दिखाती हूँ, उसको मैं रिसाइकल करने लगी हूँ। ये देखें, ये शर्ट है, लूज़ शर्ट है, लॉन्ग में है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। इसके बाजुओं पर लगी हुई है लेस, लगी हुई है नेकलाइन पर लगी हुई है क्योंकि वो कॉलर शेप में है। और इसकी एक स्मॉल पॉकेट है, ये देखिए अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, स्मॉल पॉकेट के अपर साइड पे लेस लगी हुई है, ठीक है। अब मुझे एक इवेंट पे जाना था, सिस्टर की बर्थडे थी, तो मुझे यही शर्ट पहनी थी, इसको मैं रिसाइकल करने लगी हूँ, ठीक है। ये है कुंदन स्टोन, मार्केट से कुंदन स्टोन के नाम से मिल जाते हैं, और 40-50 रुपीज़ तोला है, ठीक है। और ये ग्लू है, ये बेस्ट है, अगर कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला काम करता है तो उसके लिए बेस्ट है। ये लाइट लाइट ग्लू लगा के आपने इन कुंदन स्टोन्स को इसके ऊपर स्प्लैश कर देना है। आपने जिस भी वे में लगाना है आप लगा लें, उसके बाद थ्रेड से काम करें, क्योंकि फिर हिलेंगे नहीं, इस तरह लग जाएंगे। और शर्ट के मिड में आप कोई भी चीज़ दे दीजिएगा हार्ड, ताकि बैक साइड पर ग्लू अटैच ना हो, फैब्रिक फिर अटैच ना हो, ठीक है। ये जो है मैं जो शर्ट का अपर साइड है ना, उस पर कर रही हूँ शोल्डर से लेके नीचे 15 इंचेस तक, ठीक है, वहाँ तक मैं स्प्लैश कर रही हूँ ताकि अपर साइड पे रहे, नीचे से ये सिंपल रहे। मुझे इस तरह अच्छा लग रहा था। अब हम इसको थ्रेड के साथ अटैच कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है, जब मैं वेयर करके चली जाऊँगी अपनी सिस्टर की बर्थडे पर, तो मैं आप लोगों को भी इसकी बताऊँगी कि मैंने किस तरह स्टाइल किया, कि अगर इसी को हम हील के साथ करेंगे तो वो किस तरह लगेगी, अगर हम जॉगर्स के साथ करेंगे तो वो किस तरह लगेगी, अगर हम सैंडल के साथ करेंगे तो वो किस तरह लगेगी, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह स्मॉल सी वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। फिलहाल आपको मैं डिज़ाइनिंग का बताती हूँ कि अगर आपने भी कभी इस तरह अपनी सिंपल शर्ट जो एक दफ़ा पहन ली है एक स्टाइल में, तो आपका दिल कर रहा है उसको थोड़ी सी आप चेंजिंग कर लें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह आप कोई भी सीक्वेंसेस लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और मेरी भी ये फेवरेट शर्ट है क्योंकि लाइट कलर में है, यानी कि कुछ शर्ट्स होती हैं ना जो आपको पहन के मज़ा आता है, लूज़ है, अच्छा मतलब पहन के मज़ा आता है इससे, ठीक है। तो मेरा दिल कर रहा था मैं ये पहन के जाऊँ, और इसको मैंने थोड़ा सा न्यू टच दे दिया ताकि स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो अच्छी लगेगी, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, एक एक टांके के साथ आपने इसको पका कर देना है। उससे पहले हमने ग्लू लगाई थी, इसका सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप ग्लू ना लगाते तो टाइम ज़्यादा लगता, क्योंकि आपने देख देख के लगाना था, अब मैं कहाँ पे लगाऊँ स्टोन को कहाँ पे नहीं। जब आप पहले एक दफ़ा ग्लू अटैच कर देते हैं फिर ईजी हो जाता है, फिर आपने थ्रेड लेना है और फटाफट इसको कम्प्लीट करना है। ये देखें इसकी फाइनल लुक, ये देखें, सिर्फ ये पॉकेट के एरिए तक मैंने लगाया, शोल्डर से नीचे 15 इंचज तक, ठीक है, ये देखें। और इसके नेकलाइन और स्लीव्स पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें इसके नेकलाइन पे जो कॉलर है उसके ऊपर एक प्यारी सी लेस लगी हुई है ऑलरेडी, पॉकेट पे भी ये देखें अपर साइड पे लगी हुई है, और इसके स्लीव्स पे भी। अभी इसकी फाइनल लुक देख लें, ऊपर देखें सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, जो नीचे वाला एरिया है इस पर कुछ भी नहीं किया हुआ, एज़ इट इज़ जैसी थी वैसी की वैसी ही है, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप डिटेल से देख लें, अगर आप भी मार्केट जाएँ तो इनको कुंदन स्टोन कह के आपने लेना है, ठीक है। इसके अलावा पेटल्स डिफरेंट कलर में होते हैं, ये कलरफुल भी होते हैं, ये देखें बिफोर देख रहे हैं और आफ्टर भी देख लें, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं, उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, थैंक यू।